Hey everyone, my name is Aryan and welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ how you can create your own custom mocaps using the free resources available on the internet. So let's not waste the time and let's get started. लास्ट वीडियो मेरी एक सोडा ब्रांड डिज़ाइन के ऊपर थी. जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे वॉच कीजिए. लास्ट वीडियो का मोटिव ये था कि उसकी ब्रांडिंग को मैं अपने बिहेंस पोर्टफोलियो में शोकेस करना चाहता था. सब कुछ डिज़ाइन एंड एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटेड बट पोस्टर के लिए मेरे को कोई अच्छा मोकैप नहीं मिला. तो मैंने सोचा क्यों ना एक कस्टम मोकैप बनाया जाए. तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने एक कस्टम मोकैप बनाया फोटोशॉप में. सो बिफोर स्टार्टिंग वी नीड टू नो व्हाट आर मॉकअप्स. मॉकअप एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने डिज़ाइन को एक फोटो रियलिस्टिक वे में इंटेंस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंपनी के लिए लोगो डिज़ाइन किया एंड हम उस लोगो को एक मॉकअप में प्रेजेंट करेंगे. बिकॉज दीज मॉकअप गिव द क्लाइंट द रियलनेस हाउ द डिज़ाइन विल लुक लाइक इन द रियल वर्ल्ड. सो नाउ लेट्स मेक आवर कस्टम मॉकअप इन फोटोशॉप. I found this image on Pixel. It was suitable for my poster. Then I dragged it in Photoshop. मैंने एक नई लेयर बनाई एंड उसमें एक रफ सेलेक्शन किया. देन मैंने उस सेलेक्शन को वाइट कलर से फिल किया एंड उस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया. आफ्टरवर्ड्स मैंने उस पोस्टर का एक परफेक्ट सेलेक्शन किया एंड उसका अनवॉन्टेड एजेस को मास्क कर दिया. एंड उसके बाद मेरे को एक ऐसा इफेक्ट डालना था जिसमें मेरा पोस्टर थोड़ा चिपकाया हुआ लगे. सो आई फाउंड दिस वेट पोस्टर टेक्सचर एंड मैंने उसका ब्लेंड मोड चेंज कर दिया मल्टीप्लाई पे. देन द लास्ट स्टेप, मैंने कर्व्स की हेल्प से उसकी बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड की लाइटिंग को मैच करने का ट्राई करा एंड इट वॉज सक्सेसफुल. अब प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हमें लास्ट अपने पोस्टर रिप्लेसमेंट लेयर में अपना पोस्टर डालना है एंड यू कैन सी आवर मॉकअप इज रेडी टू यूज़.